तो चलिए, हमने कल मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे नाउ। अच्छा, कुछ ऐसा देखा था मैंने, जो मैंने आपको वीडियोस दिखाया था, उस दिखाने के पीछे क्या मोटिव था। यहां पर हमने कहा कि अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, तो मान लीजिए आपके पास सोर्स है, तो ये क्या करेगा, जो लाइट वेव है वो ऐसे ट्रेवल होगी, ठीक है। ऐसे मान लीजिए ये सोर्स एस वन है और ये एस टू है, तो ऐसा जाएगा, तो इनसे जब पास होगी तो कुछ ऐसा जाएगा, मैं बता देता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ पास होगा। इससे भी जाएगा तो वो भी ऐसा कुछ पास होगा, ठीक है, ऐसा कुछ पास होगा, ठीक है, ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा, ठीक है। और ये देखिए आगे ऐसा बनेगा और ये ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा वेव पैटर्न सा भी बना था आपके पास, जो मैंने अभी दिखाया था आप लोगों को, ठीक है। तो बात यहां पर आती है, उसके बाद आपके पास एक स्क्रीन होती है। अगर मैं स्क्रीन की बात करता हूं तो यहां पर एक स्क्रीन होती है, ठीक है, यहां पर स्क्रीन होती है, इस पर क्या हो जाता है, डार्क ब्राइट के फ्रिंज ब्रेथ बन जाती है, ठीक है, डार्क ब्राइट डार्क के फ्रिंज बन जाते हैं, ठीक है। तो मैं कल इसको प्ले करूंगा, सही से प्ले नहीं हो पाया, ठीक है, तो कल मैं आप लोगों को जरूर प्ले करूंगा। ये इसके पीछे हमारा मोटिव क्या था, इसके पीछे जो 2021 में जो क्वेश्चन आया था वो था, ठीक है, लेक्चर का जो 2021 में क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन लिख लीजिए कैसा था। ये था लेक्चरर 2021 का क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया था, मैं अभी देखता हूँ, वन सेकेंड, चलिए, इन देखिए ये था, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द शेप ऑफ फ्रिंजेस, द शेप ऑफ द फ्रिंजेस फ्रिंजेस इज, ठीक है, पहला ऑप्शन, पहला जो ऑप्शन है उसमें दिया गया था सर्कुलर, ठीक है, बी ऑप्शन था आपके पास स्ट्रेट लाइन, और सी ऑप्शन था आपके पास हाइपरबोला, हाइपर बोलिक, एंड डी था नन ऑफ दीज, ऐसा आपसे पूछा गया था, ठीक है। बताइए इसका आंसर, बताइए जो आपको, चलिए इसका आंसर जल्दी से बताइए मुझे, जो जो लोग क्लास में, कौन सा होगा इसका आंसर, क्या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज का शेप होगा वो कैसे होगा, ठीक है, जल्दी से, जो जो लोग क्लास में है, ए ऑप्शन कपिल, और बी ऑप्शन, विनी जी का सी ऑप्शन, और नूतन जी का ए ऑप्शन, क्या है, बी ऑप्शन, स्ट्रेट लाइन, अभी जो वीडियो दिखाया था इसलिए तो दिखाया था, मोबाइल नहीं दिखाना था मुझे। देखिए समझिए बात, यहां पर जो आपके पास, मान लीजिए आपके पास ये सोर्स है, तो इसके पास क्या होगी, ऐसा कुछ होगा सोर्स, ठीक है। अब ये जब ये सोर्स है तो डबल स्लिट लग गए यहां पर, बहुत पतले स्लिट है। अब देखिए मान लीजिए जो लाइट जा रही है, अब इधर गई ऐसा ट्रेवल करके, पूरा ऐसा ट्रेवल करके जाएगी ना, मान लीजिए ऐसा ट्रेवल करके आगे गई है, और मैं आगे बना रहा हूं सब पूरा ट्रेवल करके, अब यहां से ना इस पूरी सर्कुलर तो जाएगी नहीं, सर्कुलर तो हो नहीं सकता,
तो अब कैसे बनेगी, कुछ ऐसी जाएगी। अब ये भी तो एक्सप्लेन किया, ठीक है, इससे भी कुछ ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, इससे भी जाएगी कुछ ऐसी, इससे भी जाएगी कुछ ऐसी, ठीक है, सिमिलरली काइंड ऐसा बनता है। और यहाँ पर जो फ्रिंज ब्रीद बनेगी वो यहाँ पर जो जो आपके पास इधर से आ रहा होगा वो बन रही होगी ब्राइट, ठीक है, ये बन रही होगी वाइट, ठीक है, और इसके ऊपर क्या बन रही होगी, डार्क बन रही होगी, और इसके नीचे भी क्या बन रही होगी, डार्क बन रही होगी, और नेक्स्ट क्या बन रही होगी, ये बन रही होगी वाइट बन रही होगी, इसके ऊपर भी क्या बन रही होगी, वाइट बन, यानी आपके पास कुछ इस प्रकार से आया होगा कि ये वाइट बन रही होगी, ऐसे अल्टरनेटिव बन रही होगी, ये स्क्रीन है। तो अब तो आंसर बता दो कि अब क्या होगा, ये क्या सर्कुलर है, क्या ये सर्कुलर है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है, ये जो आए आपके पास लाइट ऐसी, चलिए मैं और आगे तक बना देता हूँ, लो ये कुछ और आगे बनेगा, अब क्या ये सर्कुलर मानते हो आप, देखिए सुपर इम्पोज हो गई ना आप, ये ऐसे समझिए, इसलिए तो मैं दिखाना चाह रहा था कुछ चीजें, ठीक है, देखिए वो चलने, वो मैं पेन ड्राइव भूल गया अपना, ठीक है, कल मैं जरूर शो करूंगा आप लोगों को कैसे, तो कैसे हैं ये, अरे स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, इसको फेल कर दो, नन ऑफ दिस तो है नहीं, और सर्कुलर है नहीं, तो क्या बच गया, हाइपरबोला, ठीक है, कैसा बन गया, ऐसा समझिए ना कि क्या होता है, समझिए कि कोई चीज आपने, दो चीज ऐसे आ रही थी ऐसे, मतलब लाइट ऐसे फैल रही थी उसमें, तो अगर किसी स्लिट में भेजा जाए, स्लिट क्या करता है उसको, स्लिट का मतलब होता ना, मान लीजिए स्लिट बहुत जगह यूज होती है, और जो है बेसिक अगर इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्लिट और ग्रिड में डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है, देखिए अगर स्लिट है आपके पास, मान लीजिए स्लिट दरवाजा है आपका, अगर स्लिट इज अ दरवाजा, रूम बहुत सारे लोग हैं, ऐसा समझिए कि रूम आपका एक वैक्यूम बन गया, और जहां पर कोई वायुमंडल नहीं है, ठीक है, और आप समझिए तैरते हुए जाएंगे, या जो जिस पोजिशन में वो वैसे जाना जाए, अब समझिए स्लिट क्या करता है कि जैसे दरवाजा आपका ऐसा बना हुआ ना, मान लीजिए दरवाजा बना हुआ, तो अब क्या होगा, जो ऐसे में होगा ना वो तो पास होगा, जो ऐसे में होगा वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, तो स्लिट भी क्या करेगा, यही काम करता स्लिट, ये नहीं, ये सर्कुलर तो जाएगा नहीं पूरा, अब ये जब इससे गुजरेगा, इससे अंदर जाता है, क्योंकि रेज है ये, तो ऐसा कुछ बन रहा होगा, तो कैसा बन रहा होगा, ये बनता है हाइपरबोला, ठीक है, क्या बन रहा होगा, हाइपरबोला, ठीक है, चलिए क्लियर है, चलिए बना लीजिए इसे, फिर हम आगे आगे चलते हैं। चलिए तो आपने जो दो तीन चीजें पढ़ी है, कौन कौन सी, व्हाट काइंड ऑफ सोर्स आर रिक्वायर्ड फॉर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दूसरा आपने पढ़ा है कि क्या है, जो आपके पास क्या है, जो एक्सपेरिमेंट क्या करता है एस्टेब्लिश, चलिए यंग्स के यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ चीजें लिख लेते हैं हम लोग, यंग्स पहले भी पढ़ चुके हम, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कुछ चीजें जो है हम बता देते हैं आपको, ठीक है, पहली बात है कि यंग जो है, जो आपके पास कौन थे, थॉमस यंग थे, उन्होंने क्या किया था 1801 में 1802 में क्या किया था, इंटरफेरेंस जो है इन 1802 द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वॉज डिमोन्स्ट्रेट बाय थॉमस, क्या है, किसने किया था, थॉमस यंग ने किया था, ठीक है, तो ये जो 1802 में द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट डेमोन्स्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेट बाय थॉमस यंग, ठीक है, दूसरा हम कहेंगे
जो है दिस एक्सपेरिमेंट एस्टेब्लिश द वेव नेचर ऑफ लाइट. द एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है. LT 2017 में आ चुका है ये, ठीक है. द एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट क्या है, एस्टेब्लिश द वेव नेचर ऑफ लाइट. एस्टेब्लिश द वेव नेचर ऑफ लाइट. ठीक है, क्या हुआ था, वेव नेचर, एस्टेब्लिश द वेव नेचर ऑफ द लाइट. ठीक है, तो दूसरा हमने थर्ड पॉइंट इसमें लिखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ सोर्स आर रिक्वायर्ड. क्या लिखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ सोर्स रिक्वायर्ड, व्हाट काइंड ऑफ सोर्स रिक्वायर्ड. तो किस प्रकार का सोर्स चाहिए होगा आपको रिक्वायर्ड, तो वो चाहिए आपको कोहरेंट. ठीक है, कैसा चाहिए, कोहरेंट चाहिए. ठीक है, अब कोहरेंट हमने कल बता दिया. ठीक है, तो ये दो तीन चीजें बातें थी कि यंग ने जो है इंटरफेरेंस जो है प्रकाश का व्यतिकरण 1802 में एस्टेब्लिश किया था. ठीक है, बताया था उसके बारे में. दूसरा हम कह रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंट हमको बताता है कि लाइट का वेव नेचर के बारे में बताता है, जो कि अल्टीमेट एक बार आ भी चुका है क्वेश्चन. और दूसरा है कि व्हाट काइंड ऑफ सोर्स आर रिक्वायर्ड, तो वो था कि आपके पास कैसा चाहिए, कोहरेंट सोर्स चाहिए. कैसा चाहिए, कोहरेंट सोर्स चाहिए. ठीक है, क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा. तो अगर हम बात करते हैं, कुछ चीजें बात पहले होनी चाहिए यहाँ पर. अगर हम फेज की बात करते हैं, पहले ये तो कर लिया होगा आपने. अगर हम फेज की बात कर लेते हैं, तो कल हमने एक चीज पढ़ा था, हमने कहा था कि फेज के लिए अगर आप रिलेशन पढ़ते हैं फेज और पाथ में. ठीक है, तो देखिए अगर फेज की बात करते हैं, तो हमने कल एक रिलेशन बताया था कि क्या बताया था, इंपॉर्टेंट बताया था कि फेज और पाथ को हमने ऐसा बनाया था. हमने कहा था कि जब भी आपको 2π का फेज आ जाए, तो लैम्डा, एक लैम्डा को पूरा होने में 2π जितना लैम्डा डिस्टेंस है दरअसल लैम्डा, तो एक लैम्डा को पूरा करने के लिए 2π की जरूरत पड़ती है. तो लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास फेज पाई है, और तो हमने कहा कि डिस्टेंस उस टाइम पर एक्स. हमने यहाँ से एक रिलेशन फाइंड किया था, कितना, हमने कहा था इसको 2π(x)(5)λ, ये हम बताए थे आपको. ठीक है, अब फेज की बात कर लेते हैं हम. तो फेज अगर हम बात करें, तो क्योंकि हम दो चीज पढ़ चुके हैं, एक पढ़ चुके हैं कंस्ट्रक्टिव, एक पढ़ चुके हैं डिस्ट्रक्टिव. अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है ब्राइट की बात हो रही है. ठीक है, जिसको ब्राइट, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव जिसको समपोषी बोलते हैं. और एक पढ़ा हमने डिस्ट्रक्टिव. ठीक है, क्या पढ़ा आपने, डिस्ट्रक्टिव. ठीक है, क्या पढ़ा, डिस्ट्रक्टिव जिसको बोलते हैं डार्क. यानी अब कहीं ना कहीं फेज शिफ्ट पे डिपेंड करता होगा ये. ठीक है, तो यहां पर जो फाई होगा आपके पास वो होगा 2π, कितना होगा, 2n π, अगर 2n π कितना होगा, n π होगा. तो अगर आपके पास, अगर यहां पर मैं फाई की वैल्यू 2n π रख दूं, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, इस जगह रख दूं मैं फेज, तो आप लोग पढ़ चुके हैं कितना. अगर मैं यहां वहां पे रख दूं इसको, तो कितना, 2π(x)(5) की जगह 2n π λ. ठीक है, अब देखिए 2π से 2π कैंसिल हो गया आपके पास. ठीक है, तो यहां से जो x की वैल्यू आ गई, तो कितने आ गए, n λ. दरअसल ये है क्या है आपके पास, ये x जो है क्या है, पाथ डिफरेंस है. क्या है आपके पास, या इसको बोलते हैं डेल्टा से भी दिखाते हैं. ठीक है, किससे दिखाते हैं, डेल्टा से दिखाते हैं. ये है पाथ डिफरेंस, या बोलेंगे पाथ डिफरेंस. ठीक है, एक्स इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस. ठीक है, कितना हो जाएगा, अगर मैं यहां पर रख दूं, देखिए यहां पर क्या कंडीशन है कि कब कब आपके पास ब्राइट आ सकता है, डार्क आ सकता है. तो इसके लिए हमने कहा कि 2n-1 पाई पे डार्क. ठीक है, कितने पे आएगा, 2n π. यहां पर देखिए अगर हम यहां पर रख देते हैं इस फाई की वैल्यू, तो कितनी आ जाती है,
टू पाई इंटू एक्स इक्वल टू कितना, टू एन माइनस वन पाई इंटू लैम्डा। पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये जो x आ गया आपके पास ये आ गया n माइनस, अगर यहाँ पर कितना 2n कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 2n माइनस 1 बाई 2 लैम्डा। यहाँ पर डार्क यानी डिस्ट्रक्टिव में इतना पाथ डिफरेंस आ जाएगा, कितना, इतना पाथ डिफरेंस, पाथ, ठीक है, क्लियर है। क्लियर है ये सबको? मैं इसके नीचे एक क्वेश्चन लिख देता हूं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, क्या है, द पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, द पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, द पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कितना हो जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा सीधा, कितना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं और अच्छी सी एक चीज ध्यान रखना, यहां पर हो सकता है कई जगह प्लस दे रखा हो, कई जगह माइनस दे रखा हो, तो मैं इस चीज को जनरली लिख देता हूं कि x इक्वल टू कितना, क्या इसको डेल्टा x भी बोल देते हैं, कभी कभी डेल्टा भी दिखा देते हैं ऐसा, इसको डेल्टा भी बोलते हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, नाम देख लेना एक बार क्या है, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस जो होता है वो अलग अलग नाम से अलग अलग जगह लिखा जाता है, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव के, 2n प्लस हो या माइनस हो, मैं जनरली लिख रहा हूँ दोनों में होता है लैम्डा बाई टू, प्लस भी होता है, कई बुकों में प्लस भी लिखा जाता है माइनस भी लिखा जाता है, ठीक है, क्लियर है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। चलिए चलिए क्लियर है इतना, मैं आगे बढ़ूं, कल भी क्लास होगी, कल मॉर्निंग में क्लास होगी, इवनिंग में नहीं होगी, ठीक है, मॉर्निंग में जो सुटेबल टाइम हो वो आप बता दीजिए, ठीक है, जो सबको सुटेबल लगे, इसीलिए ग्रुप बनाया हुआ, वहां पर आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नाउ हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा यंग के ऊपर वापस आते हैं। हमने कहा कि क्या है, लेट्स सपोज आपके पास कोई एस सोर्स है, ठीक है, और यहाँ पर ये स्लिट एस वन है और ये स्लिट एस टू है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये स्क्रीन है, क्या है, ये आपके पास स्क्रीन, यहाँ से कल हम बताए थे कि एक कोई मान लीजिए वेव है यहाँ पर सुपर इम्पोज हो रही है, और ये अनदर वेव है ये पी पॉइंट पर यहाँ पर सुपर इम्पोज, तो ये जो स्लिट के बीच की डिस्टेंस है, ये बार बार ध्यान रखना, हमने d लिया है, कोई इसको 2d ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेते हैं, 2d ले लेते हैं, तो जब भी आप जहां का भी रेफरेंस लोगे तो एक बार ये देख लेना कि उन्होंने d लिया है या 2d लिया है, तो ये बात आपको पता हो। और स्क्रीन और जो सोर्स के बीच यानी स्लिट और सोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। अब देख लीजिए, मैं बात करता हूं कि अगर मैं इसकी सेंट्रल की बात करता हूं, जो चलिए मैं सेंट्रल इसका ये है, तो सही नहीं बना, चलिए सेंटर है, ठीक है। अब देख लीजिए यहां पर, तो हमेशा याद रखना जो सेंट्रल वाली फ्रिंज आएगी वो हमेशा ब्राइट आएगी, ठीक है, क्या आएगी, यानी सेंट्रल वाली फ्रिंज जो हमेशा ब्राइट आएगी, कैसी आएगी, ब्राइट, क्योंकि अगर आपके पास देखा जाए तो ये हमेशा ब्राइट होगी, सेंट्रल फ्रिंज जो है एलवेज ब्राइट होगी। उसके बाद मैंने कहा आपके बाद कि
क्या हो जाएगा, यहाँ पर डार्क आ जाएगा, ठीक है, ये डार्क आ जाएगा, यहाँ पर भी आपके पास डार्क आ जाएगा, ठीक है। थर्ड वन यहाँ पर फिर से ब्राइट बनेगी, ये जो है यहाँ पर फिर से ब्राइट बनेगी, ठीक है, और यहाँ पर भी ब्राइट बन जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमको कुछ चीजें पता चल गई। दूसरी चीज, एक और बात हमको पता होनी चाहिए कि जो फ्रिंज ब्रिथ होती है, अगर चलिए बात करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास जो है जो फ्रिंज ब्रिथ होती है वो क्या है, मान लीजिए कितनी है, यानी जो फ्रिंज ब्रिथ है वो कितनी होगी, जो आपको मन कर रहा है बीटा मानना है बीटा मानना है, वाई मानना है तो वाई मान सकते हैं, जो आपको उचित लगे, ठीक है। अच्छा एक चीज पीछे मैं बता दूं, आपके पास जो एन था वो ऑर्डर था जीरो से शुरू हो रहा है, मैं एक चीज यहां पर बताना भूल गया, ये एन इज एन की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, यहां पर भी सेम, यहां पर अगर प्लस माइनस लिख दीजिए ज्यादा बेटर रहेगा कि ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी, यानी एन की वैल्यू 0, 1, 2, यहां पर भी एन की वैल्यू कितनी 0, 1, 2, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। चलिए यहां पर याद रखिए कि सेंट्रल वाली हमेशा ब्राइट बनेगी, सेंट्रल हमेशा एलवेज ब्राइट बनेगी, सेंट्रल ब्राइट बनेगी, ठीक है, हमेशा, क्लियर है इतना। तो नेक्स्ट टर्म आता आपके पास के फ्रिंज ब्रिथ। फ्रिंज ब्रिथ क्या होती है, दो फ्रिंजों की बीच की दूरी को ही फ्रिंज ब्रिथ बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो अगर मैं बात करूं फ्रिंज ब्रिथ, तो कौन सी दो फ्रिंज है, दो जो है या तो क्या हो आपके पास, या तो आपके पास क्या हो, ब्राइट ब्राइट हो या फिर डार्क डार्क हो, ठीक है। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले यहाँ पर फ्रिंज ब्रिथ, किसकी बात करूंगा, फ्रिंज ब्रिथ की, ठीक है। तो फ्रिंज ब्रिथ क्या होता है कि अगर हम यहां पर देखें, ये ब्राइट है तो ये भी ब्राइट है, तो इस डिस्टेंस को ही क्या बोलते थे, इस डिस्टेंस को ही बोलते हैं फ्रिंज ब्रिथ, मान लीजिए बीटा है, ठीक है। तो मैं बात करता हूं यहां पर फ्रिंज ब्रिथ, ठीक है, फ्रिंज ब्रिथ, तो फ्रिंज ब्रिथ क्या होगी, बीटा इक्वल टू कितना, अगर मैं बात करूं बीटा इक्वल टू कितना, डी लैम्डा अपॉन डी, ये कैपिटल डी है, आप जानते हैं कैपिटल डी क्या है, यहां पर स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस, डी दोनों स्लेट के बीच की दूरी, लैम्डा क्या है, क्या है, वेव लेंथ है, ठीक है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं एंगुलर ब्रिथ की, एक और आ जाता है सेकेंड टर्म इसमें, एंगुलर ब्रिथ क्या आ जाता है, एंगुलर ब्रिथ, एंगुलर ब्रिथ का मतलब होता है, चलिए एंगुलर ब्रिथ, तो एंगुलर ब्रिथ का मतलब होता है, देखिए अगर मैं यहां पर आपके पास बात करता हूं कि जो फ्रिंज ब्रिथ बनी आपकी, मान लीजिए आपके पास ये दो सोर्स थे, ये जो दो स्लिट थी, ठीक है, यहां से कुछ वेव आई यहां पर मान लीजिए, और जो आपके पास जो एंगल बना होगा ना इनके साथ, जो ये एंगल बना होगा इस स्लिट के इस एंगल से, इससे थीटा, यानी ये तो आपके पास यहां पर बात करेंगे ना हम, ये तो फ्रिंज है ब्रिथ है, इतनी मान लीजिए फ्रिंज ब्रिथ है, ठीक है। तो ये जो एंगल बना ना, इसको बोलते हैं एंगुलर ब्रिथ। तो थीटा जो है एलवेज कैसा होगा, थीटा कितना होगा, सॉरी यहां लिख देते हैं हम लोग, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा बीटा बाई डी, ठीक है, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा बाई डी, बीटा मतलब क्या हुआ, बीटा है आपके पास फ्रिंज ब्रिथ, ठीक है, बीटा बाई डी, डी कौन सा होगा यहाँ पर, कैपिटल डी,
ठीक है, स्मॉल नॉट स्मॉल डी, बीटा की वैल्यू रखेंगे, कैपिटल डी लैम्डा स्मॉल डी और आपके पास कैपिटल डी है, तो ये कैंसिल हो गया, तो लैम्डा बाय डी आ जाएगा, लैम्डा बाय डी आ जाएगा, ये क्या है आपके पास एंगुलर ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी एंगुलर ब्रेथ हो जाएगी। अब देखिए जो कि हम नेक्स्ट इसके बाद हम एक और पॉइंट देखते हैं, नंबर थ्री पॉइंट, कि आपसे 2021 में भी पूछा गया था ये कि जो फ्रिंज ब्रेथ है इन मीडियम, किसी भी मीडियम में हम बात करेंगे फ्रिंज, अगर हम बात करें किसकी बात करें, फ्रिंज ब्रेथ की बात करते हैं, ठीक है, फ्रिंज ब्रेथ की बात कर देते हैं, फ्रिंज ब्रेथ इन मीडियम, ठीक है, किसी माध्यम में हो सकती है, हो सकती है लास्ट में जो आपसे पूछा गया था लास्ट ईयर में, क्योंकि लास्ट ईयर में मैंने करवा रखे थे ये क्वेश्चन, तो फ्रिंज ब्रेथ जब किसी मीडियम में होगी तो क्या हो जाएगा, सॉरी जब आपके पास ये किसी माध्यम में होगा तो फ्रिंज क्या हो जाएगी उसमें, अगर मान लीजिए आपने यंग डबल एक्सपेरिमेंट किसी मीडियम में परफॉर्म किया तो ये कितना हो जाएगा जो फ्रिंज ब्रीथ है, तो वो कितनी हो जाएगी, बीटा डैश मान लीजिए जिस मीडियम में कर रहे हो, बीटा अपॉन म्यू, कितना, बीटा अपॉन म्यू, ठीक है, म्यू क्या है यहाँ पर, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, क्या है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो फ्रिंज ब्रेथ इन मीडियम में कितना हो जाएगा, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए इसके आधार पर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाता हूं जो कि आया था आपके पास, चलिए मैं यहां पर क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन है कि इफ ये है लेक्चरर 2021 का, और जो मेरे पास लास्ट टाइम थे मैंने ये लास्ट टाइम भी करवाया होगा, ठीक है, तो इफ इफ वी, सेम क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, रिपीट, इफ रिपीट यंग्स यंग्स डबल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन वाटर, किसमें कर दिया गया, इन वाटर, बाय मेंटेनिंग ऑल अदर कंडीशन सेम, देन द फ्रिंज ब्रेथ, ठीक है, मैं ऑप्शन दे देता हूं आप लोगों को, चलिए इधर लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा तो इधर लिखिए, ए ऑप्शन आपके पास बोला है रिड्यूस will be increase, will be increase, B option बोला है will be decrease, C option है will be unchanged, and D option है A and B both, चलिए जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, ये आपके पास लास्ट टाइम है लेक्चरर का ही क्वेश्चन है, ठीक है,
डिक्रीज, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं कि आपके पास कितना वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। तो हमको इतना तो पता कि अगर जो है, मैं सॉल्यूशन करता हूँ कि जितना जो है आपके पास कि जो नई फ्रिंज ब्रीथ आएगी जब किसी मीडियम में करोगे, तो बीटा डैश इक्वल टू कितना, बीटा अपॉन म्यू। तो कहीं ना कहीं क्या है, म्यू से डिवाइड हो रही होगी, म्यू इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितना होता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वन पॉइंट थ्री थ्री या 1.5 मान लो ऑलमोस्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर ये लेट सपोज हुआ, मान लीजिए ये थ्री हुआ, लेट सपोज मान लीजिए पहले फ्रिंज ब्रीथ थी, कहानी के तौर पर बता रहा एग्जांपल, तो ये हो गया 1.5। डिवाइड करोगे तो थ्री से बड़ा आ गया, थ्री से छोटा है, तो जो बीटा डैश है वो लेस आ गया बीटा से, यानी आ जाएगा 1.5, ऐसा ही कुछ आएगा। हाँ नहीं, ऐसा नहीं आएगा। कितना आएगा, 10 गया ऊपर 30, 30 बटे 15 तो 2 आया होगा, तो 2 बड़ा या 3 बड़ा है, 3 बड़ा, तो क्या हो जाएगा, विल बी डिक्रीजेस, ठीक है। कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है तो हम आगे बढ़े, बिल्कुल सबको क्लियर होगी। नेक्स्ट बात पाते हैं हम लोग, अब है नेक्स्ट आपके पास इंटेंसिटी। क्या है इंटेंसिटी, तो कल हम एक चीज पढ़े थे, क्वेश्चन पढ़े थे एम्पलीट्यूड के बारे में, एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, कि एम्पलीट्यूड क्या होता है बताए थे हमने, कहा लेट सपोज ये क्या है, ये थ्री है, तो ये थ्री इज एम्पलीट्यूड, थ्री क्या एम्पलीट्यूड, मान लीजिए आपने कहा कि कल हमने एक इक्वेशन लिखी थी कि वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा ही लिखा था हमने, कहा ये ए है एम्पलीट्यूड, क्या है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से याद आया, आप लोगों से क्वेश्चन करवाना है पहले, तब जाके मैं फिर एम्पलीट्यूड पे जाऊंगा, ठीक है जी। एम्पलीट्यूड से याद आया, क्वेश्चन लिखेंगे एम्पलीट्यूड, फिर इंटेंसिटी पे जाते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने इंटेंसिटी हेडिंग लगा ली कोई बात नहीं, रहने दीजिए, क्वेश्चन है मैं बता देता, क्वेश्चन है कि द इंटेंसिटी ऑफ वेव इज आई वन, क्या है लिखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन वन है, द इंटेंसिटी ऑफ वेव दे रखी है, कोई वेव जिसका वेव दे रखी है, जो दे रखी है आपके पास y इक्वल टू आपके पास दे रखी है a, cos में दे रखी है, sin में दे रखी है, cos ओमेगा t माइनस इधर रखिए cos ओमेगा t माइनस के x is i1 if ये भी फंस जाएगा, क्वेश्चन फंस जाएगा आपके पास ये, चलिए क्वेश्चन ही लिख लो पूरा, ठीक है, उसके बाद वापस आएंगे इस क्वेश्चन पे हम। इफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज फोर टाइम्स इनक्रीजेस, देन intensity is I2. So find I1 upon I2. ऐसा आपसे पूछा गया, तो इस क्वेश्चन को मैं जस्ट ऊपर लिख दे रहा हूँ, ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, उसका रीजन है
तो आप हेडिंग लगाइए इंटेंसिटी। पहले हमें इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में पता तो होना चाहिए। चलिए इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन होता है, तो आप जानते हैं ये चीज कि इंटेंसिटी क्या होती है एम्पलीट्यूड के होल स्क्वायर की। यानी आप लिखोगे कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। बस इतनी कहानी आपको पता होनी चाहिए। क्या है एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी अगर हम कल पढ़े हैं कि आई इक्वल टू, मान लीजिए एम्पलीट्यूड लास्ट केस में कितना था, आर स्क्वायर, यही था पढ़े हैं हम लोग। वापस इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं इसको कम कर लेता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर क्या कहा गया, इस क्वेश्चन को समझते हैं। अगर आपने इतनी बात लिख ली, इतनी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। इस क्वेश्चन कहा गया कि इफ द इंटेंसिटी ऑफ वेव जो है, जो वेव दे रखी है, वो दे रखी है आपके पास वाई इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इज आई वन। क्या दे रखी इंटेंसिटी, आई वन दे रखी। कहा कि इफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज फोर टाइम्स इंक्रीज द फोर टाइम इंक्रीज, या इसका उल्टा हो गया तो आप इसको सही से लिख सकते हैं, इंक्रीज फोर टाइम। अगर उस वेव का एम्पलीट्यूड चार गुना बढ़ा दिया जाए, कह रहे हैं इंटेंसिटी उस टाइम पर आई टू है, हो जाती है आई टू है, बताइए आई वन और आई टू का रेशियो क्या। तो पहले तो इसके लिए हमको इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के बीच में हमको रिलेशन पता होना चाहिए, जो कि हमको यहाँ से पता चल गया कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर जो क्वेश्चन वन था, अगर मैं सोल्यूशन करता हूँ, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन वन क्या कहा गया कि जब आपके पास मान लीजिए आई वन था, इसको भी थोड़ा इरेज कर दो, रेशियो आई वन नहीं, आई टू अपॉन आई वन पूछा, ठीक है। तो आई वन आपको पता, मान लीजिए तब एम्पलीट्यूड कितना दे रखा, जब आई वन इंटेंसिटी दे रखी है एम्पलीट्यूड कितना, यही होता है एम्पलीट्यूड, तो कितना ए का स्क्वायर। आई टू कितना, कितना गुना बढ़ गया एम्पलीट्यूड, चार गुना बढ़ गया, तो आप क्या लिख दोगे, फोर ए का होल स्क्वायर। यही तो कहा कि इंक्रीज इज फोर टाइम्स, चार गुना हो गया, तो चार गुना ए का चार गुना है, चार ए स्क्वायर। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है आई टू अपॉन आई वन, तो आई टू कितना होगा आपके पास, आई टू है फोर ए का होल स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर, तो ये 16/1 आ गया। यानी आपके पास जो रेशियो आ गया वो 16:1 आ गया। अगर आई वन और आई टू पूछा जाता तो 1:16 आ जाता। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, ये क्वेश्चन जो करवाया था। चलिए नोट कर लीजिए इतना। तो हो गया होगा यू। चलिए वापस हम इंटेंसिटी पे आते हैं। चलिए तो वापस इंटेंसिटी पे आते हैं हम लोग, इंटेंसिटी के टॉपिक पे, कि इंटेंसिटी क्या पढ़ी आप लोगों ने। इंटेंसिटी आई इक्वल टू कितना पढ़ लिया था, प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूं तो आई इक्वल टू के आर स्क्वायर, मान लीजिए आर इज ए प्रोपोर्शनल, ऐसा ही पढ़ लिया आप लोग, ठीक है, क्लियर है ना। अगर मैं बात करता हूँ कि लेट सपोज आपके पास कोई दो इंटेंसिटी दे रखी है, तो आप बोल सकते हैं कि लेट सपोज जब हम लास्ट टाइम पढ़े थे कि लेट सपोज वी हैव टू वेव, कि वन इज कितनी थी y1 इक्वल टू ए, मैं वापस उस टॉपिक पे दिखा देता हूँ आप लोगों को,
कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? ये तो आज का था, ये भी आज का है। हाँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। बहुत ज्यादा हो गया ये तो। हाँ चलिए, दिख रहा होगा इतना तो, अच्छा दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखे थे आप कल जो है कि लेट सपोज वी हैव टू लाइट सोर्स Y1 और Y2। Y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस Y2, एंड Y2 इक्वल टू ए बी साइन ओमेगा टी। ए एंड बी आर द एम्पलीट्यूड ऑफ I1 एंड I2। सो हम यहां पर भी वही बात कहना चाह रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर भी वही बात कर रहे हैं। ठीक, सफिशियंट। तो थोड़ा और लार्ज कर देता हूँ, आई थिंक मोर सफिशियंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर I1 जो है, मान लीजिए के के इज कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, A1 ए एंड I2 इक्वल टू कितना, के बी। कल पढ़ चुके थे हम लोग, तो एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पढ़ा था हम लोगों ने कितना, कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पढ़ा था कि आर इक्वल टू कितना पढ़ा था हमने, पढ़ा था कि आर इक्वल टू कितना था, अंडर रूट ऐसे ही पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस फाइव, यही पढ़ा था। स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, तो आर स्क्वायर इज, आर क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्या है रिजल्टेंट? जब दो वेव मिल जाती है तो उनके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आ जाता है उसको आर बोला गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस फाइव। ये कल भी बताया था हमने आप लोगों को। ठीक है, तो स्क्वायर कर दिया। अब ये जो है, ये जो आर है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। तो अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा कि अगर आपके पास देखा जाए, अगर ये कांस्टेंट हट जाए, तो आई कुछ ऐसा दिख रहा है कि आर स्क्वायर, अगर कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाए सब जगह, तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपको कि आई आर की जगह कितना हो जाएगा, आर की जगह कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, और ए की जगह कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा ए की जगह। अरे ये भी तो स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा अगर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है, इनके ऊपर चेक कर लेना। तो ये कितना है, ये दरअसल I1 है प्लस ये I2 है प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस फाइव। सिंपली ये आपके पास आई आ गया जैसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया। आप बोलोगे अंडर रूट कहाँ से आया? देख लीजिए, अगर मुझे यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी पड़े, मान लीजिए कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, तो ये ए स्क्वायर आ गया। तो अगर मुझे ए की वैल्यू चाहिए, देखिए इस ए की, तो ए की कितना आ जाएगा, अंडर रूट I1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप कहेंगे कि दो कंडीशन फिर से बनेगी कि आई मैक्सिमम और आई मिनिमम की। तो आई मैक्सिमम कब आएगा, जब अगर कॉस फाइव की वैल्यू 1 हो जाए, और यानी 1 का मतलब देख लीजिए कितना बन जाएगा, 1 का मतलब कितना हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा ये कि आई इक्वल टू कितना, I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 इंटू √I2। तो सिंपली अगर मैं इसे देख लीजिए, सॉरी ये आई जो मैक्सिमम होगा ये कब हो गया, जब कॉस की वैल्यू 1 थी। तो मैं अगर इसको ऐसा लिख दूं कि √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, तो आपको पता है ये ओपन करके क्या आ जाएगा, I1 का स्क्वायर I1 आ जाएगा प्लस I2 का स्क्वायर I2 आ जाएगा। ठीक है, बाकी 2 ab आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट है, यही चीज को हमने ऐसा लिखा। ठीक है, तो सिमिलरली आई मिनिमम कब होगा, नेक्स्ट है आई मिनिमम। तो आई मिनिमम कब होगा, जब कॉस फाइव की वैल्यू कितनी हो जाए, -1। अच्छा, मॉर्निंग का टाइम जरूर लिख के बता देना, आप लोग अपने डिस्कस करके ही बता देना अपने ग्रुप में। ठीक है, बस अर्ली मॉर्निंग का रख सकते तो अर्ली मॉर्निंग रखे, अर्ली मॉर्निंग ना ही रखें, 9-10 बजे के टाइम आसपास रखें, जो आपको सुटेबल होगा, पर जरूर रखें। आप लोग डिस्कस नहीं करेंगे तो मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आप लोग जरूर डिस्कस करिए कौन सा टाइम सुटेबल, और
हाँ किसका क्वेश्चन था, एक मेरे दिमाग में आ रहा है, विशाल विशाल, मैं एक तो 10 बजे सो जाता हूँ, प्रॉब्लम मेरे साथ ये है। दूसरा आपको मैं कॉल नहीं कर पाया, आपने पूछा कि ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ 5 कैसे हो जाती है, तो डिपेंड करता है रिजिड है या नॉन रिजिड है। पहले नॉन रिजिड और रिजिड में भी हमने बताया था लीनियर है नॉन लीनियर है, तो जब हमने बताया था कि ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशन और वाइब्रेशन कितने हो सकते हैं उसमें, ठीक है, तो हमने कहा था कि 3 ट्रांसलेशन है 2 रोटेशन आ जाते हैं, इसलिए 5 है जब वो रिजिड होता है, ठीक है, तो ये जरूर देखें, ठीक है, अदरवाइज मैं आप आज शाम को मैं आपको पक्का जाके आपका ही प्रॉब्लम दूंगा, ठीक है, क्लियर है। तो उसके अलग अलग केस होते हैं, देखिए ये एक बार पीएचडी के एग्जाम में आता है ना, सीयू सेट करके आता है, उसमें पूछा गया था कि जो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है का रिजिड पार्ट है वो किसके तरफ बिहेव करता है, तो वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की तरफ बिहेव करता है, ठीक है, क्योंकि डायटॉमिक के पास कितने आ जाते हैं, 5 आ जाते हैं ना, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वो रिजिड है या नॉन रिजिड है। रिजिड और नॉन रिजिड से क्या होगा कि जब आप रोटेशन कराओगे ना तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, हर एक्सिस में पूरा बंधा होगा, एक फिक्स एक्सिस ऐसा समझे ना, एक ट्राइंगल बंधा हुआ है ऐसा, उसको उसका वो फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड है, कठोर है, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो चेंज नहीं हो सकती, तो रोटेशन जो है रेस्ट्रिक्ट कर जाते हैं उसमें, ठीक है। बाकी एक और न्यूटन की जी के क्वेश्चन थे, देखिए वो डिजाइन कर रखा है, जो आपके पास कुछ ऐसा दिख रहा है ऐसा कुछ कर रखा होगा, मैं सही बना पा रहा हूँ या नहीं बना पा रहा हूँ, हाँ अब ये क्या बोल दिया, ऐसा कर दिया ना, ऐसा यहाँ पर डिजाइन कर दिया, ऐसा तो कर दिया कुछ, तो ये क्या है, ये आरसी है, आरसी मतलब इंटीग्रेटर, सेम सॉल्व जैसे सॉल्व करते वैसे सॉल्व करें, क्या हो जाएगा, वी आउटपुट इज इंटीग्रेशन 1/-RC इंटीग्रेशन ऑफ, इस डायग्राम को जरूर याद रखें, मैं बोल रहा हूँ ये बहुत बार बन चुके कि डिफरेंशिएटर कौन सा है और इंटीग्रेटर कौन सा है, आरसी मतलब आई समझिए, तो ये वी इन इसका इंटीग्रेशन कर दो बस आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है अभी ये जो है रिजर्वेशन की वजह से जो है -1 I1 √I1 -√I2, जिनको नहीं समझ आया तो कॉस की वैल्यू माइनस रख दो तो ये 2AB बन जाएगा, तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है, -2AB, ये आई मिनिमम और आई मैक्सिमम हो, ठीक है। चलिए अब यहां पर भी हम लोग जैसे लास्ट टाइम करे थे कि एम्पलीट्यूड को डिवाइड करा था, तो अगर मैं यहां पर आई मैक्सिमम और आई मिनिमम, आई मैक्सिमम जो कि कितना है डिवाइड बाय आई मिनिमम, तो आई मैक्सिमम कितना हो, कितना है, ये है √I1 + √I2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए ठीक है बहुत बढ़िया, इतना कर चुके हैं। अगर हम कहें कि इफ एनी केस, इफ क्या हो जाए, इफ I1 I2 इक्वल हो जाए, किसके इक्वल हो जाए, मान लीजिए आई नोट मान लो, या आई नोट मान लो, हाँ आई नोट, क्योंकि आई तो ऑलरेडी आई नोट मान लो, तो जो आई होगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास, यहां पर कितना हो जाएगा, I नोट प्लस कितना हो जाएगा, 2 I0 × I0 cos φ, पर ये दोनों रूट के अंदर होंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 I0 और ये +2 I0 cos φ, ये आ जाएगा cos φ, तो अगर 2 I0 को मैं कॉमन ले लूं यहां से 2 I0, तो अंदर कितना बच जाएगा, 1 + cos φ, तो ये कितना हो जाएगा cos φ, किसका फॉर्मूला है, मैं लिख दूं इसकी जगह डायरेक्ट 4I0 cos²φ/2। अब बोलोगे कैसे, तो आप सब लोग मैथमेटिक्स में तेज है, मैंने सुना है सबकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, तो आप लोगों ने cos²θ के दो फॉर्मूले पढ़े होंगे, cos θ+1, ठीक है, कुछ ऐसे पढ़े होंगे ना, 1/2, और एक पढ़ा होगा cos²θ = 1 - 2 sin², अच्छा cos²θ sin²θ/2,
इनको यूज किया हमने, यूज कर लो जो आपको यूज, यहाँ पर टू थीटा होता तो थीटा आता ना, यहाँ थीटा है तो इसका आधा ये हो जाए। ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग तेज हो, सब लोग तेज है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट विजिबिलिटी की बात करते हैं, विजिबिलिटी ऑफ रेंजेस की बात करते हैं। क्या है विजिबिलिटी ऑफ रेंजेस? विजिबिलिटी ऑफ रेंजेस, तो विजिबिलिटी ऑफ रेंजेस क्या होता है? वी इक्वल टू कितना आ जाता है, आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन कितना, आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। ठीक है, इसको बोलते हैं चलिए ठीक है, चलिए हो गया इतना, इसको बोलते हैं विजिबिलिटी ऑफ रेंज। तो वापस आना चाह रहा हूं मैं एक जगह, एक चीज हमारा हमसे मिस तो नहीं हुई पर जानबूझ के हमने रखी है, वापस आते हैं इस टाइम यहाँ पर। इस क्वेश्चन से पहले पॉइंट नंबर 3 था, तो यहाँ पर आप लोगों के पास स्पेस बचा है, नहीं तो आप जहां मर्जी वहां लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर नंबर 4 करके लिख रहा हूँ, बस दो लाइन का आंसर चीजें। देखिए अगर आपके पास लेट सपोज कि मैं कहूं कि अगर आपके पास क्या हो, दो स्लेटें दी, लेट सपोज कि चलिए मैं इधर कर लेता हूं, मेरे पास तो स्पेस आप लोगों के पास नहीं है। इस दरअसल यंग्स में की बात है, यंग्स डबल स्लेट की बात हो रही है। ठीक है, देख लो एक बार, मैंने ये करवाया था आप लोगों के पास, देखिए ये करवाया था, ये एंगुलर ब्रिथ। ठीक है, ये चलिए इसकी कहानी। तो इसमें तीन दो पॉइंट लिख दिए थे हमने, फोर्थ पॉइंट की बात करूंगा मैं यहाँ पर। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या कहा, जो ये आपके पास स्लिट थी ना, लेट सपोज ये जो स्लिट है, लेट सपोज ये स्लिट है दो, ये S1 थी और S2 थी। मान लीजिए इसकी जो ब्रिथ है, इसकी लेट सपोज जो चौड़ाई है वो W1 है और इसकी W2। क्या कहा मैंने कि इसकी अगर चौड़ाई W1 है और W2 है। ठीक है, तो अब देखिए क्या रिलेशन आएगा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और नोट करके लिखना आपने, कि जो W1 और W2 का रेशियो होगा वो क्या होगा, I1 अपॉन I2 और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, यानी आप बोलोगे, इससे वापस से आता हूँ, इसके पास जो वेव गई थी हमने कल भी मेंशन किया था कि Y इक्वल टू A साइन, नीचे लेके आता हूँ मैं, A साइन। ठीक है, हमने कहा था ये थी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और ये थी वाई टू बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा कहा था हमने कल, ये दो वेव है। तो यहां पर देखिए अगर मैं कहूं कि आपके पास क्या है, डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू, यानी इन दोनों की ब्रिथ, स्लिट की ब्रिथ है, और ये है ए वन स्क्वायर अपॉन बी टू स्क्वायर, एम्पलीट्यूड दरअसल इन वेव का एम्पलीट्यूड जो इनसे पास हो रही है, और ये किसके इक्वल होगी, मान लीजिए इसके पास इंटेंसिटी आई वन है और ये आई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पर्पस, आपको जितने स्टार देने हैं इसको, इसको दे सकते हैं। ठीक है, जितने स्टार है आप दे सकते हैं इसको। ठीक है, तो कुछ चीजें जो है और आएगी हमारे पास, अभी अभी हमारे पास खत्म नहीं हुई, हमने ये नोट कर लिया, नहीं नोट किया तो मैं वापस से आ रहा हूँ, वापस से इस डायग्राम को कॉपी कर रहा हूँ। तो वापस से आते हैं, जितने पार्ट आपने पढ़ लिए, आप लोग अगर नहीं बनाना चाह रहे तो डायरेक्ट इसको मैं नए पेज में बना लीजिए।
चलिए आई थिंक डन ठीक है हो गया आखिर ठीक है। इतनी चीजें हमने पढ़ ली थी, वापस से आप लोग बना सकते हो, नहीं बना सकते हो तो देख लीजिए, कुछ चीजें हम इसमें और ऐड करेंगे ठीक है। सबसे पहले तो हमने कहा कि जो है जो फ्रिंज ब्रीथ है, यानी दो ब्राइट ब्राइट या दो डार्क डार्क के बीच की जो ब्रीथ है वो कितनी होगी, बीटा इक्वल टू कितना, डी लैम्डा। डी इज डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द सोर्स स्क्रीन एंड सोर्स। नाउ सेकेंड इज एंगुलर ब्रीथ। एंगुलर ब्रिथ इज क्या है, इफ एंगल जहां पर आपको ब्रिथ मिल रही है, फ्रिंज ब्रिथ मिल रही है, एट दैट एंगल वी कॉल द एंगुलर ब्रिथ। थीटा इक्वल टू बीटा बाई डी, डी इज अ डिस्टेंस ब्रिथ ठीक है। वी नो द बीटा डी कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, स्मॉल डी इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स ठीक है। नाउ फ्रिंज ब्रिथ इन द मीडियम, सपोज वी हैव वी ऑलरेडी डन द वन एग्जांपल, इफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म इन द वॉटर द फ्रिंज ब्रिथ इज डिक्रीजेस ठीक है। तो वैसे ही किसी भी और मीडियम में हो तो आप वहां से म्यू टाइम से डिक्रीजेस हो रहा है ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट, अगर आपके पास फ्रिंज स्लिट की ब्रिथ दे रखी, जो स्लिट थी ना आपके पास उसकी ब्रिथ दे रखी है ठीक है, तो आप क्या है स्लिट का अगर दोनों का रेशियो इनके एम्पलीट्यूड के और इनकी इंटेंसिटी के इक्वल आ रहे हैं ठीक है, क्या रहे इनके इंटेंसिटी के इक्वल आ रहे हैं ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नाउ अगर मैं बात करता हूं इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट, नाउ तो अगर आपके पास वेवलेंथ के बारे में थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन लेना चाहूंगा कि लेट सपोज आपके पास जो ये स्लिट है, लेट सपोज ये स्लिट है, तो जो वेव यहां से आ रही है, मान लीजिए जो इसके पास आ रही है, जो ऑब्वियसली बात है इसके पास जो पहुंचेगी, मान लीजिए ऐसा कुछ सिनारियो दिख रहा हो आपको, तो लेट सपोज इसके पास जो वेव लेंथ है वो लैम्डा वन है और इसके पास जो वेव लेंथ है उस टाइम पर जो वेव लेंथ है वो कितनी है, लैम्डा टू ठीक है, कितनी है लैम्डा टू। लेट सपोज मैंने जूम कर दिया, आप लोग इसको और आसानी से देख सकते हैं ठीक ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, तो मान लीजिए ये वेव आई और आप यहां से आपके पास कुछ फ्रिंज ब्रीथ मिली, यहां पर लेट सपोज यहाँ कुछ फ्रिंज ब्रीथ ऐसी मिली, आप जो भी आपको फ्रिंज ब्रीथ बनानी है, मान लीजिए ऐसे कुछ ब्रीथ मिली, चलिए मैं इसको सेंटर वाली बना देता हूँ ठीक। ये अभी मेरा केस नहीं है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम यहां पर कह रहे हैं कि अगर आपके पास दो लाइट वेव है और उनका वेव लेंथ लैम्डा, लैम्डा वन और लैम्डा टू है, तो अगर आपसे कहेंगे कि अगर पहले लैम्डा वन की जो लाइट है वो क्या करती है, जिसमें एन फ्रिंजे बनी, एन वन मान लीजिए उसमें एन वन फ्रिंजे बनी, और जो फिर लैम्डा टू की
कि वेव को जो लैम्डा 2 की वेव भेजी तो उससे क्या बना, एन 2 फ्रिंजे बनी। तो फॉर ब्राइट फिंस के लिए क्या क्या कंडीशन है, ठीक है मैं क्या कहानी बता रहा हूँ, एक कहानी बता देता हूँ कि सबसे पहले कि टू वेव ऑफ लाइट है, टू वेव ऑफ लाइट, वेव ऑफ लाइट, ठीक है। अगर हम कहें कि इफ, अगर क्या करें हम, लैम्डा 1 वी सेंडिंग लैम्डा 1 वेव लेंथ की वेव, इफ वी, इफ वी सेंड लैम्डा 1, तो वो क्या बना रही है, अगर वी सेंड लैम्डा 1 तो वो क्या बना रही है, तो इट मेक्स एन 1 फ्रिंजेस, फ्रिंजेस। और अगर इफ वी सेंड, इफ वी सेंड लैम्डा 2 वेव, वेव इट मेक्स एन 2 फ्रिंज, फ्रिंजेस, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज क्या हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो, ठीक है क्या हो जाएगा, ब्राइट की कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, लैम्डा 1 एन 1 इक्वल टू लैम्डा 2 एन 2, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब क्या बोलोगे आप, ये इंपॉर्टेंट है, इसके आधार पर जो न्यूमेरिकल हम कराएंगे अभी आपसे, ठीक है। चलिए आप एक एग्जांपल हम इसका करवा देते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल करवा देता हूँ मैं, एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है देख लीजिए, कि अगर आपके पास जो लैम्डा 1 है, इफ लैम्डा 1 जो है आपके पास गिवन है, सोडियम लाइट दे रखी, मान लीजिए कितना दे रखा, इफ वी हैव को क्वेश्चन लिखे, एग्जाम्पल लैम्डा 1 दे रखा है, सोडियम लाइट, सोडियम लाइट, तो आपको सोडियम लाइट का वेव लेंथ भी दे रखा होगा, लैम्डा 1 दे रखा है आपके पास, जो है कितना 5893 एंगस्ट्रॉम, इट मेक्स, इट मेक, ठीक है कितने फ्रिंज है, अब सिंगल सोर्स की बात हो रही है, अलग अलग सोर्स, इट मेक्स मान लीजिए 5 कितनी फ्रिंज विड्थ बना रही है, मान लीजिए आपके पास 62 फ्रिंज बना रही है, मान लीजिए जो आपको मानना है 65 मान लीजिए, मेक्स फ्रिंजेस। नाउ वी allow, allow the lambda 2, lambda 2 जो है दे रखा आपके पास, मान लीजिए क्या दे रखा है, lambda 2 दे रखा है mercury source मान लीजिए, जिसका कितना दे रखा है, ये भी कितना होता है, ये होता है 5416 मान लीजिए, 5416 angstrom, ये तो आपके पेपर में दे, मैं जस्ट करवा रहा हूँ आपका, ठीक है। find the fringes, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, कितनी फ्रिंजेस बनाएगा, ठीक है एन 2 फाइंड करना आपको, तो सिंपली आप रख दोगे यहाँ पर सॉल्यूशन में, लैम्डा 1 एन 1 इक्वल टू लैम्डा 2 एन 2, तो आपके पास लैम्डा 1 दे रखा कितना 5893, एन 2 एन 1 दे रखा 65, इन टू लैम्डा 2 दे रखा कितना 5418 एंगस्ट्रॉम, इन टू एन 2, तो एन 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से
आपके पास मिल जाएगी एन क्यू की वैल्यू। ठीक है, सॉल्व तो कर ही सकते हो आप लोग, कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, देख लेना, सॉल्व कर लेना आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाउ अब आपने कहा कि लेट सपोज हमारे पास अगर क्या हो, क्या कर दिया जाए, ये जो आपके पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, तो मान लीजिए जो ये आपके पास वेव यहाँ से जो आई ऐसे कुछ आ रही है, मान लीजिए जैसा भी आपको बनाना, सीधा बनाना, तो लेट सपोज ये सोर्स S1 था, ये सोर्स S2 था, ये दोनों d डिस्टेंस पे थे और इन दोनों के बीच की d, ठीक है, ठीक है, चलिए, और ये पॉइंट P था। लेट सपोज इन्होंने कहा कि आपने कोई एक प्लेट रख दी यहाँ पर, लेट सपोज एक प्लेट रख दी, ऐसे कुछ प्लेट रख दी एक के रास्ते में, जिसकी मोटाई कितनी थी, टी थिकनेस की एक क्या रख दी आपने, प्लेट रख दी। तो आप बताएंगे आप लोग, इसको तो आप सॉल्व कर लोगे, नहीं दूसरा कंसेप्ट है, ठीक है, इसको तो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, ये न्यू कंसेप्ट है, ये क्या कहा गया, मैं ऊपर कर देता हूँ इसको ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, आपको ये कहा गया कि कोई जो क्या है इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर रही है, उत्पन्न कर रही है, ये वेव वन है, ये वेव टू है, अगर इस वेव के रास्ते में एक पैरेलल प्लेट रख दी जाए, क्या रख दी जाए, अगर कोई क्या कर रख दी जाए, यानी डिस्प्लेस दी क्या है, अगर प्लेट रख दी जाए तो फ्रिंज ब्रिथ में जो है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो यानी इस डायग्राम में क्या है, हेडिंग क्या होगी, जो नंबर कितने कर लिया था हमने, फोर कर लिया था, फाइव कर लिया था, फाइव कर लिया था ना, ये था फाइव, अब है ये है सिक्स पॉइंट इसी चीज का। ठीक है, इसी का क्या है कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस ऑफ फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंज व्हेन अ प्लेट प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ वन वेव। ठीक है, वन वेव, किसी एक वेव में रख दिया हमने, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर हम आपको दो तीन बातें बता दें कि जो फ्रिंज ब्रिथ है होगी वो तो रिमेंस कांस्टेंट रहेगी, कुछ कुछ बातें बता, देखो मैं बताया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंज, क्या बताया आपको कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंज, यानी फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। फ्रिंज ब्रिथ की कहानी आएगी तो जितना नीचे वाला फ्रिंज ब्रिथ तो आप जानते हैं ना, चलिए पहले लिख लेता हूँ तो आपको ये समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर हम बात करेंगे फ्रिंज ब्रिथ की, ठीक है, फ्रिंज ब्रिथ की, तो फ्रिंज ब्रिथ तो क्या रहेगी, आप कहेंगे कि ये तो रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहेगी, रिमेन्स सेम, क्यों, आपने तो दो सक्सेसिव यानी दो ब्राइट ब्राइट या दो डार्क, अब मान लीजिए पहली डार्क यहां पर है, ये डार्क मान लीजिए, दूसरी डार्क यहां पर है, तो यही तो फ्रिंज ब्रिथ होगी। अब अगर ये ऊपर खिसक जाए तो ये भी ऊपर खिसक जाए, उससे क्या फर्क पड़ता, तो फ्रिंज ब्रिथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, फ्रिंज ब्रिथ रिमेन्स सेम रहती है, कुछ भी प्लेट रख दो, पर फ्रिंज डिस्प्लेस जरूर होती है, जहां बन रही थी वहां पर नहीं बनेगी। अब ये स्क्रीन पर जहां पर मान लीजिए जहां पर ये व्हाइट था और ये डार्क था, तो अब ये शिफ्टेड होगी ऊपर, ब्रिथ में नहीं होगा, ब्रिथ तो आप जानते हैं दो, मान लीजिए अब मान लीजिए ये जो स्क्रीन है मेरे सामने लगी, इसकी ब्रिथ मान लीजिए कितनी है, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, अब इसको मैं छत पे क्यों ना ले जाऊं, ब्रिथ तो 20 सेंटीमीटर ही रहेगी ना, तो फ्रिंज ब्रिथ तो सेम रहेगी, लेकिन इसका डिस्प्लेस तो हो गया ना, इसका जो स्क्रीन था ये छत पे चले गई, अब तो कितना डिस्प्लेस हुआ, तो आप वही चीज लिखना चाह रहे, ये पूछा जा सकता है कि वृत्त कितनी होगी, तो वृत्त जहां पर आएगी तो छत पे ले जाओ, आसमान में ले जाओ, वृत्त तो सेम रहेगी, लेकिन क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेस हो जाएगा, फ्रिंज डिस्प्लेस हो जाएगी, यानी आप लिखेंगे फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट, फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, मान लीजिए डेल्टा एक्स मान लेते हैं फ्रिंज, तो इससे पहले जो है कितना पढ़ा था हमने डेल्टा, कितना आ जाएगा डेल्टा, अगर मैं फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो अभी पढ़ा था हमने ऊपर फ्रिंज, देखिए कितना आ जाएगा, फ्रिंज ब्रिथ इज अ डिफरेंट थिंग, कितना डी म्यू माइनस वन बाय टी डी बाय टी। अब एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर समझिए, डी तो आपको पता ही वाला कैपिटल डी, ये म्यू क्या आ गया इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ये डी क्या है इन दोनों के बीच की दूरी, और ये टी क्या है थिकनेस कितनी है, यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर
कि जो म्यू है, बाकी चीजें तो जानते हैं आप, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लेट. क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लेट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लेट. और टी क्या? थिकनेस ऑफ प्लेट. थिकनेस ऑफ प्लेट. क्लियर है? क्लियर है आप सब लोगों को ये बात? ठीक है. कौन सा क्वेश्चन? ये वाला? सोडियम. अच्छा, क्वेश्चन दिखा दीजिए. इफ सोडियम लाइट पासिंग, लिख लो पासिंग एंड स्लिट फर्स्ट, इट मेक्स 50 फ्रेम. नाउ इफ अलाउ दी, अलाउ दी लैम्डा टू फाइंड द फ्रिंजेस, अलाउड इन स्लेट टू. चलिए ठीक है, लो अब तो पूरा हो गया, देख लो. ठीक है, चलिए इसके आधार पर तो एक क्वेश्चन और करवा दूंगा मैं. चलिए सही से, ठीक है, ये क्लियर है. एक इस, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके आधार पर. अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैं बता देता हूँ आपको. ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर सिर्फ. ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैं बता देता हूँ आपको. क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ चलिए ठीक है, कोई नहीं, शॉर्टकट लिखवा दिया मैंने आपके पास, क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग. ठीक है, तो चलिए एक जिस जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उस पर अगर आप लोगों को डाउट है तो मैं करवा देता हूँ. ठीक है, क्वेश्चन वन लिख लीजिए. क्वेश्चन क्या पूछा गया लिख लीजिए. एन इंटरफेरेंस पैटर्न 12th ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, क्या लिखेंगे? इन इंटरफेरेंस, इन इंटरफेरेंस पैटर्न एट पॉइंट, इंटरफेरेंस पैटर्न एट पॉइंट, इंटरफेरेंस एट पॉइंट 12th ऑर्डर मैक्सिमम फॉर लैम्डा वन 6000 एंगस्ट्रॉम इज ऑब्जर्व if source is replaced by light of wavelength, light of wavelength lambda 2 equal to kitna 1400 angstrom, then visible order will be. ठीक है, visible order will be. ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, क्या दे रखा है?
मैं बता देता हूँ, इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस कोई पैटर्न बन रहा है, व्यतिकरण कोई पैटर्न बन रहा है, एट पॉइंट किसी पॉइंट पर बन रहा है, वो जानते हैं आप, किसी पॉइंट पी पर बनता है, ठीक है, जानते भी है। ट्वेल्थ ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, ऑर्डर दे रखा है, ऑर्डर मतलब एन दे रखा है, एन वन कितना दे रखा है, ट्वेल्थ। कहा गया कि लैम्डा वन दे रखा है, ऑलरेडी मेंशन है, लैम्डा वन दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम का, इज ऑब्जर्व इफ सोर्स इज रिप्लेस बाय लाइट, अगर सोर्स को रिप्लेस कर दिया लैम्डा टू यानी लाइट से, तो उसका कितना 48, तो कहा गया एंगस्ट्रॉम। विजिबल ऑर्डर विल बी, तो यानी कब जब वो दिखाई दे ऐसा ऑर्डर बताइए, तो आप जानते हैं एन वन लैम्डा वन इक्वल टू एन टू लैम्डा टू, कितना आ जाएगा, एन वन इज कितना है 12 और ये आ जाएगा 60,000 इंटू 4800 इंटू एन टू, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एन टू इज कितना 12 इंटू 60 अपॉन 48, ठीक है, तो 12 चौके 48 और ये कितना हो जाएगा 2, ये 30, 15 चौके 60, तो 15 फ्रिंजेस बन जाएगी, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था, एक बार देख लो, ठीक है। चलिए ठीक है, हो गया होगा इतना। चलिए एक क्वेश्चन लिख दीजिए आप लोग, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। आसान क्वेश्चन है कि कोई दो वेव दे रखी है, ठीक है, इंटेंसिटी दे रखी है, इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव दे रखी है, I1 दे रखा है आपके पास कितना 9 एंड I2 दे रखा कितना 1, या ऐसे कर लीजिए इनको अच्छे से, इफ टू वेव्स रेशियो वेव्स आर 9:1 फाइन दे, क्या पूछा गया आपसे, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करेंगे, जिनको नहीं समझ आएगा चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी करते हैं कल, टाइमिंग डिस्कस करके आप मुझे बता देना, ठीक है।